चलो आ जाओ उधर चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन तुम लोग को एक होमवर्क दिया गया था आई थिंक यू हैव डन द होमवर्क हाउ मेनी ऑफ यू हैवंट डन द होमवर्क प्लीज स्टैंड अप मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जहां पर मैंने आपको बोला था शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री तीनों का लिस्ट लिख कराना Have you done it? Come on, tell me quickly. नहीं ऐसे नहीं होता आधा की हो तो फिर तुम आधा ही रहो क्लास में आधा क्लास करके निकल जाना ठीक है किये हो कोई का कल का क्लास छूटा हुआ है तो आज का क्लास कुछ नहीं समझ में हैव यू डन द होमवर्क वो बेंच होमवर्क कि हो कर लिया होमवर्क श्योर याद हो गया सारा ट्रांजेक्शन अभी हम चेक करेंगे क्लास खत्म होने के बाद अभी बता दो जो लोग होमवर्क नहीं किया हाथ उड़ाओ कौन कौन होमवर्क नहीं करके आया है होमवर्क कौन कौन नहीं करके आया हाथ उठाओ हैव यू डन द होमवर्क नहीं तो देखो ऐसे नहीं चलेगा इफ यू यू आर नॉट सीरियस मैंने ऑलरेडी सेड मार्क्स इससे जो है वेटेज है बट तुम लोग उस चीज को सीरियसली ले ही नहीं रहे करना ही क्या था यार अगर तुम ध्यान देकर पढ़ाई करते पंद्रह मिनट में होमवर्क हो जाता आइटम्स का नाम ही तो लिखना था शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री दैट्स इट तो कब होगा होमवर्क तुम लोग का बोलो कब होगा नहीं नहीं करोगे तो बोल दो कि हम नहीं करेंगे आप चाहे जितना बार भी बोल लीजिए होमवर्क करके आओगे कब करके आओगे एंड व्हाट अबाउट यू लास्ट बेंच कब करके आओगे होमवर्क नहीं ऐसे नहीं होता है don't give me such lame excuses no 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 i don't want तुमको क्या लगता है लोग एलियन है क्या जो लोग होमवर्क करके आया है i don't think so तुम्हारा कब होगा होमवर्क कल हो जाएगा तुम्हारा कब होगा कल हो जाएगा और तुम्हारा कब होगा हस्बेंच हो हो कल हो जाएगा हाँ या ना हाँ. कल हम तुम्हारी कॉपी सबसे पहले चेक करेंगे आदिल क्लास करना फिर होमवर्क करना एबसेंट थे ना तो क्लास किए हो क्या ठीक है क्लास करके फिर होमवर्क करना देखो तुम लोग को जब बोल रहे हैं टेन मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है ये चैप्टर तुम लोग होमवर्क नहीं करेगा तो इससे क्या मेरा कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा क्या तुम लोग के लिए तो बोल रहे हैं तुम लोग समझ ही नहीं रहे इस बात को प्लीज कर लो ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और एक बार होमवर्क कर लोगे ना ये ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा और अगर अब भी नहीं करोगे ना तुमको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगने लग जाएगा जबकि डिफिकल्ट है नहीं

उट होनी लिस्ट थ्री शेड्यूल शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री शेड्यूल वन में ऐसे करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज का विड्रोवल इज प्रोहिबिटेड विड्रोवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोबिटेड शेड्यूल टू में ऐसे लिस्ट ऑफ करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है जिसके लिए आपको सीजी का अप्रूवल लगेगा मैम यहाँ पे सीजी का अप्रूवल का मतलब बताएंगे आप थोड़ा सीजी का अप्रूवल यानी किसका में जाना है किसका किसका परमिशन लोगे बताओ वेरी वेरी गुड एच एचआर का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो अब देखो जो होमवर्क करके आएगा उसको एकदम मजा आएगा वो एकदम इजीली बोलेगा आंसर और तुमको पता है एक बात बताएं जितना भी अभी तक हम पढ़ा चुके हैं ना एग्जाम में उसी में से टेन मार्क्स का आएगा ये बात तुम लिख लो गारंटी ले लो यानी मैम आप आज जो पढ़ाने वाले उसका क्वेश्चन नहीं आएगा क्या नाइनटी नाइन परसेंट नहीं आएगा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने आपको पढ़ा दिया और उसी से क्वेश्चन आएगा आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इनफैक्ट आपका जो इंस्टीट्यूट का मैटर है उसमें भी तुम देखोगे

अकाउंट ट्रांजेक्शन विच इज यस विच इज अलाउड बट आफ्टर टेकिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लेकिन अंडर एल आर एस स्कीम फॉर इंडिविजुअल टू लाख फिफ्टी थाउजेंड यूएस डॉलर तक तो आप बिना कोई परमिशन के विद्रॉ कर सकते हो ढाई लाख यूएस डॉलर याद है ना उसके लिए तुमको आरबीआई का अप्रूवल लेने का दरकार नहीं है लेकिन ये एल स्कीम किसके लिए था फॉर इंडिविजुअल मैम एल स्कीम का फुल फॉर्म बताएंगे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम तुम लोग कॉपी में लिखा नहीं एल लिख लो यहाँ पे शेड्यूल थ्री के नीचे लिख लो लिख लिया था क्या एल आर एस लिखवाया था क्या मैंने इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल वहां पे बस लिख लो एल आर एस स्कीम लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम मतलब लिबरलाइज क्यों बोला गया क्योंकि ढाई लाख यूएस डॉलर तक तुम कितना भी रुपया विड्रॉ करो कोई आरबीआई का अप्रूवल लेने का दरकार नहीं है उसके ऊपर करोगे देन आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड

कमीशन क्यों दे रहे हो फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट्स और फ्लैट्स इन इंडिया तो सब कमीशन देना अलाउड है लेकिन कितना तक दे सकते हो जिसमें का अप्रूवल नहीं लगेगा? 5 dollar, अगर उसे तब तो तुमको क्या लगेगा आरबीआई का अप्रूवल याद आ रही है सब कुछ सब डिस्कस किया था कल हम लोगों ने ठीक है चलो एक चीज और पूछते बताओगे मेरे को मान लो मैं कोई प्राइवेट स्पोर्ट्स बॉडी हूं और मेरे को क्या करना है ना यूएसए में एक आ, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया मैंने और वहां के जो प्लेयर्स है उनको मैंने मनी रेमिट किया अमाउंट बताओ इसमें क्या होगा वेरी गुड का अप्रूवल लगेगा लेकिन अगर यही यही कोई नेशनली रिकॉग्नाइज या फिर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज या स्टेट लेवल रिकॉग्नाइज कोई स्पोर्ट्स खिलाता तब कुछ नहीं लगता अच्छा एक चीज तुम लोग और नहीं देखा कि अगर मैं एज एन इंडिविजुअल लेवल वहां पे पर हूँ मेरा पहन लेवल में रिकॉग्निशन नहीं है ठीक है मेरा कोई नेशनल बॉडी नहीं है मेरा कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं है मेरा कोई स्टेट लेवल बॉडी नहीं है अगर कितना रुपया प्राइस मनी एक्सीड करेगा तब मेरे को क्या करना पड़ेगा एचआरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा कितना कितना वन लाख था चेक करो वन लाख यूएस डॉलर मतलब अगर वन लाख के नीचे हम कोई प्राइस मनी रेमिट कर तो उसमें मेरे को अप्रूवल लेने का दरकार नहीं है देखो कितना है लिमिट वन लाख ही है ना देखो दिखा देते हैं देखो, देख रहे हो कितना था एक्सीडिंग वन लाख यूएस डॉलर यानी इससे नीचे अगर होगा तब तुमको एचआरडी का परमिशन लेने का दरकार नहीं अब तुम ये सब अगर तुमको याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा बताओ अच्छा तुमको एक तरीका और बता देते हैं शेड्यूल वन में तो क्या था लिस्ट ऑफ कौन सा ट्रांजेक्शन जो प्रोहिबिटेड है प्रोहिबिटेड मतलब क्या करेंट अकाउंट इज नॉट प्रोहिबिटेड बट विड्रॉल ऑफ फॉरन करेंसी ड करंट कॉन ट्रांजेक्शन इज नॉट प्रोहबिटेड और लिस्ट शेड्यूल थ्री जो है उसमें तुम्हारा इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट का लिस्ट था तुमको पता है तो अब जो बचा ट्रांजेक्शन वो पक्का किस में आने वाला है शेड्यूल टू में आएगा ना शेड्यूल थ्री तो ईजी था इंडिविजुअल वाला तुमको याद हो गया शेड्यूल वन भी तुमको याद हो गया अच्छा एक बात में तो और एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है uh, याद है हम लोग एक तो किए थे कॉल बैक सर्विसेज कॉल बैक पेमेंट रेमिटेंसेज रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज वो प्रोहिबिटेड है कि परमिसेबल है किस में था हाँ करेंट अकाउंट में क्या था प्रोविडेड की लिस्ट में था ना उसके लिए विड्रॉल ऑफ करेंट फॉरन करेंसी इज नॉट अलाउड याद है कॉल बैक सर्विसेज याद है कॉल बैक सर्विसेज क्या बोले थे हम वेरी गुड हाँ ठीक है तो ये सब तुम लोग को याद है ना ये सब एग्जाम में पूछेगा ठीक है नहीं उसमें खाली तीन पॉइंट में अलाउड था किस तीन पॉइंट में अलाउड था बताओ मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड इमिग्रेशन या स्टडीज अब्रॉड अगर वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या फॉरेनर लोग बोले कि हाँ इतना लगेगा तो तुमको आरबीआई का अप्रूवल का दरकार नहीं है खाली ये तीन केस में नो अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड ठीक है अब ये तीन शेड्यूल तो तुमको पता है इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन आ रहा है अब सुनो ना अब इसके अलावा भी अगर कोई ट्रांजेक्शन पूछता है तो वो तुमको फ्रीली अलाउड है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अपार्ट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन मेंशन इन द अबव थ्री शेड्यूल दैट वी हैव आर फ्रीली परमिसेबल लिख लो राइट डाउन वन लाइन नहीं नहीं आर वाला अलग है आर वाला तो शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री के लिए भी है उसमें भी अप्रूवल लेने का दरकार नहीं है अगर तुम खर्चा कहां से कर रहे हो आर अकाउंट से कर रहे हो या ई अकाउंट से कर रहे हो ठीक है अभी एक सेंटेंस लिखो ये किस किसके बाद लिखना है जो तुम लोग शेड्यूल वन टू थ्री बनाया ना कॉपी में जिन लोग नहीं बनाया तीन पेज छोड़ देना एक पेज में शेड्यूल वन का ट्रांजेक्शन का लिस्ट लिखना एक में शेड्यूल टू का एक में शेड्यूल थ्री का ठीक है लंबा कॉपी तीन पेज में हो जाएगा ओके चलो अभी तुम लोग एक काम करो जो हम पॉइंट बता रहे वो लिखो the transactions which are not listed the transactions which are not listed in any the transactions the transactions which are not listed in एनी ऑफ दब्री शेड्यूल्स कैन बी अंडरटेकन क्या इसमें कोई अप्रूवल कुछ परमिशन किसी भी चीज का दरकार नहीं है ये किसके लिए बोल रहा है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए हाँ क्योंकि कैपिटल में ठीक इसका उल्टा होता है ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए बोल रहे लिख लो द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द अब थ्री शेड्यूल्स कैन बी क्या अंडरटेकन फ्रीली क्लियर है और फिर यहीं पे एक बात और लिखोगे तुम कोई भी रेमिटेंस अगर किससे करो आर अकाउंट से या फिर क्या बोला था ई तो उसमें तुमको कोई अप्रूवल प्रायर अप्रूवल लेने का दरकार नहीं है तो और पॉइंट लिखो वहां पे नोट टू देकर लिखो इफ एनी रेमिटेंस बीन मेड इफ एनी रेमिटेंस व बिन मेड फॉर ट्रांजेक्शंस जो कि कहाँ लिस्टेड है बताओ लिस्टेड इन शेड्यूल टू एंड शेड्यूल थ्री मैम शेड्यूल वन में तो वो तो प्रोहिबिटेड है ना इफ एनी रेमिटेंसेज हैव बिन मेड फॉर ट्रांजेक्शन लिस्टेड इन शेड्यूल टू एंड शेड्यूल थ्री फ्रॉम कहाँ बोलो फ्रॉम कहाँ से वेरी गुड फ्रॉम आर एफ सी अकाउंट या फिर क्या बोला था नो परमीशन और अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड ठीक है अकाउंट एक टाइप का सेविंग्स अकाउंट है और ई एफ सी अकाउंट एक टाइप का क्या है करेंट अकाउंट है दैट इज द डिफरेंस ओनली ओके तो अगर तुम कोई भी ये दोनों अकाउंट से कर रहे हो <coughs> जो फॉरेन अर्निंग्स को मेंटेन करने के लिए हो रहा है तो तो भाई तुम्हारा ही है वही तो तुम्हारा ही फॉरन एक्सचेंज अर्निंग्स है उसमें तो तुमको उससे विड्रॉ करने के लिए लोग का अप्रूवल का दरकार नहीं है <coughs> ठीक है तो ये नोट टू लिख लो लेकिन फिर बोला कि अगर ई एफ सी अकाउंट से पी एंड आई क्लब का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर आप ये सब करोगे तब इन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ठीक है अप्रूवल इज रिक्वायर्ड अगर पेमेंट करो किसके लिए फॉर रेमिटेंसेस ऑफ मेंबरशिप ऑफ पी एंड आई क्लब क्लियर है तो आप लिख लो ब्रैकेट में ई एफ सी अकाउंट जहां लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख लो प्रोवाइडेड दैट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इफ रेमिटेंस इज फॉर मेंबरशिप ऑफ पी एंड आई क्लब ठीक है लिख लो जल्दी से तुम लोग को जितना नोट्स लिखवा दिया है ट्रस्ट में उसके बाहर आना ही नहीं एग्जाम में बट अब तुम लोग को ठीक से करना पड़ेगा आ मार है यहां तक लिख लियो क्या ठीक है अच्छा इफ एनी वन वॉन्ट्स टू नो द फुल फॉर्म एंड राइट ऑन द फुल फॉर्म आर एफ फुल फॉर्म अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो रेसिडेंट फॉरन करेंसी अकाउंट लिख लो क्योंकि भरोसा नहीं है ना एमसीक्यू वगैरह में अगर वैसे ऐसा कुछ पूछेगा नहीं इतना सिंपल की आर एफ सी का फुल फॉर्म बताओ बट फिर भी लिख लो आर एफ सी का फुल फॉर्म लिख लो रेसिडेंट फॉरन करेंसी अकाउंट और ई एफ सी का फुल फॉर्म लिख लो एक्सचेंज अर्नर्स फॉरन करेंसी एफ सी एफ सी तो क्या हो गया फॉरन करेंसी वो गया रेसिडेंट फॉरन करेंसी ये क्या हो गया एक्सचेंज अर्नर्स एफ सी मतलब क्या फॉरन करेंसी ना ठीक है वो हो गया रेसिडेंट फॉरेन करेंसी और ये हो गया एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी ठीक है लिख लिया फिर एक पॉइंट और लिख लो नोट थ्री दे नोट थ्री दे लिख लो एनी पर्सन एनी पर्सन Can incur any person can incur any expenditure for transactions listed in Schedule Three. ऑन हिज ट्रेवल टू अब्रॉड थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड थ्रू हिज इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यानी इसमें एग्जेम्शन है हा तुम इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से भी क्या कर सकते हो खर्चा कर सकते हो कोई परमिशन लेने का दरकार नहीं है नोट थ्री हो गया यहाँ तक चलो अब एक चीज और बोला याद है जब हम तुम लोग को पढ़ाए थे LRS स्कीम के लिए? कर सकता है। लेकिन उसके लिए खाली क्या बोला एक सिग्नेचर और डिक्लेरेशन लगी माइनर के गार्जियन का क्लियर है तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवन अ माइनर जो माइनर है ना वो भी क्या कर सकता है मेरे को बताओ एलआरएस स्कीम का मजा उठा सकते हैं लेकिन खाली उसमें क्या लगेगा बताओ सिग्नेचर लगेगा देखो रेमिटर अ माइनर यानी माइनर कैन ऑल्सो बी रेमिटर लेकिन खाली उसमें क्या लगेगा एल आर एस डिक्लेरेशन फॉर्म काउंटर साइन करेगा कौन माइनर का नेचुरल गार्जियन लेकिन ये जो माइनर वाला स्कीम है ना ये कॉर्पोरेट पार्टनरशिप एच यू एफ ट्रस्ट इन लोग एप्लीकेबल नहीं है अब जैसे मान लो कि आ, मेरे कोई रिलेटिव को बाहर जाना है मान लो मेरी कोई सिस्टर है उसको बाहर जाना है तो उसके बिहाफ पे क्या हम रेमिटेंस कर सकते हैं क्या हाँ क्लबिंग इज अलाउड ठीक है सो कंसोलिडेशन ऑफ रेमिटेंस ऑफ फैमिली मेंबर दैट कैन बी क्या कंसोलिडेटेड समझ में आ रहा है तो दो पॉइंट और लिख लो <clears throat> ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी तुम लोग को लिखवा दे रहे नोट थ्री तक लिखा था ना अब नोट फोर लिखो सब करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का कंक्लूजन है सब नोट फोर में लिखो नोट फोर में माइनर इवन अ माइनर इवन अ माइनर कैन बी अ रेमिटर पट एल आर एस डिक्लेशन फॉर्म हैज़ टू बी साइंड बाई माइनर नेचुरल गार्जियन नेचुरल वर्ड क्रिएट कर देते हैं ना हम लोग माइनर वगैरह के लिए सुनो नेचुरल गार्जियन ठीक है लिख लिया ऑफर लिख लो कंसोलिडेशन नोट कौन सा

और उसका जो अटेंडेंट का कॉस्ट है वो भी कवर्ड है हाँ लेकिन अटेंडेंट का खर्चा कितना तक कवर्ड होगा टू लैक फिफ्टी लेकिन जो पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा है उसका तो क्या होगा कोई लिमिट वगैरह नहीं है ना क्योंकि वो तो उसमें आ गया ना एक एक्सेप्शन वाला क्लॉज में हो गया क्या तक बताओ सो दिस कम्प्लीट योर वॉट करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले दोस्तों कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ठीक है चलो पहले हम लोग पूरा समझेंगे उसके बाद एक दो पॉइंट लिखवाएंगे और एक दो पॉइंट होमवर्क देंगे लिखने के लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सिंपल है दो ही शेड्यूल है जैसे वहां तीन शेड्यूल था ना कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में कितना शेड्यूल है बताओ दो याद है हम तुम लोग को लास्ट क्लास बोले थे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वो है ऐसा ट्रांजेक्शन होता है विच इज गोइंग टू ऑल्टर दी अट एंड लाइबिलिटी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या करता है ऑल्टर करता है असेट और लाइबिलिटी को करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का सेक्शन बताओ क्या पड़ा था लास्ट क्लास टू क्लास जे तो था ही बट सेक्शन नंबर क्या था जिसमें करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का ले सफाई

अब जो बच्चा पी आर आई पी आर जानता है उसका तो दिमाग वो पकड़ लिया होगा अपना क्या तो बोल रही है थीके? कुछ नहीं बोल रहे मैंने एक, सिंपल सा बोला कि अगर एक पी आर आई है ठीक है अगर कौन है पी आर आई एक बात बताओ तुम हिंदुस्तानी हो तुम हिंदुस्तान में लैंड खरीद रहे हो तो इसमें क्या फॉरन एक्सचेंज एक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा क्या फेमा एक्ट अट्रैक्ट होगा क्या क्या फेमा के परव्यू में उसको तुम कैपिलेशन बोलोगे क्या

इंक्लूडिंग कौन सा लाइब्रेरी कॉन्टेंजन लाइब्रेटी आउटसाइड इंडिया या फिर क्या बोला पी आर ओ आई का गैस करो कहा होगा इंडिया के अंदर ना सोनमारी आर आई तो फिर हो गया तो उसका क्या और और ऑफ हो रहा इंडिया याद रहेगा <coughs> जब पी आर आई का बात कर रहे हैं ना तो उसमें कॉन्टेंजन लाइब्रेटी इंक्लूडेड है लेकिन पीआर ओ आई का अगर कॉन्टेंजन लाइब्रिटीटी का ऑल्ट्रेशन और इंडिया में तो वो हम लोग इसके डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किए हैं तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी खाली कहां पे लिख क्या हो गया पी आर आई में पीआरआई में खाली क्या लिखो है, का मतलब क्या होता है असट और लाइबिलिटी का ऑल्ट्रेशन तो अगर एक पीआरआई का अट इंक्लूडिंग कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ऑल्टर हो रहा है कहां आउटसाइड इंडिया तब उसको कैपिटल अकाउंट बोलेंगे या फिर एक पीआरओ का अट लाइबिलिटी का ऑल्ट्रेशन हो रहा है इनसाइड इंडिया ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज वॉट कैपिटल ट्रांजेक्शन वेरी सिंपल हो गया याद बोलो से अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन ट्रांजेक्शन लाइबिलिटी लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पी आर आई या फिर असेटन लाइबिलिटी इन साइड इंडिया ऑफ अ पी आर ओ आई सच ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ठीक है अब यहाँ पे दो चीज बोला कि आरबीआई क्या कर रहे हैं ना आरबीआई इन कंसल्टेशन विद आरबीआई विदी कंसल्टेशन विद क्या सी जी सच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को स्पेसिफाई करता है बताता है सच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को स्पेसिफाई करता है जिसमें क्या इंक्लूडेड है बताओ डेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट क्या बताता है इसके बारे में कि ये मेंशन परमिसेबल है कि नहीं अगर परमिसेबल है तो कितना इसके लिए लिमिट्स अलाउड है क्या कंडीशन अटैच्ड है So सो द लिमिट प्रेस्क्राइब जैसे लिमिट्स नहीं था ढाई लाख यूएस डॉलर का तो वैसे यहाँ पे कितना लिमिट तक लिमिटक्राइब है ठीक है तो वापस से मेरे को बोलो RBI क्या कर रहा है इन कंसल्टेशन विद सच क्लास ऑफ कंसल्टेक्शन को प्रेस्क्राइब करता है बताओ सच क्लास ऑफ को स्पेसिफाई करता है जो कि क्या चीज से रिलेटेड है डेट इंस्ट्रूमेंट से समझ मारे और उसमें क्या बताता है कंडीशन क्या है ट्रांजेक्शन करने का फिर उसके बाद क्या बताता है बताओ कितना लिमिट है लिमिट बताता है कंडीशन बताता है और क्या वो परमिसेबल है भी कि नहीं सिमिलरली सीजी बताता है इसका उल्टा कर दो इन कंसल्टेशन विद आरबीआई सी जी बताते हैं सच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अदर देन डेट इंस्ट्रूमेंट आरबीआई बताता है डेट so, इंस्ट्रूमेंट वाला ट्रांजेक्शन सीजी बताता है अदर ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन का बात हो रहा है यहाँ पे कैपिटल कौन ट्रांजेक्शन का और क्या बताता है वो ट्रांजेक्शन का ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल है कि नहीं परमिसेबल है कि नहीं उसका कंडीशन क्या अटैच है और उसका लिमिट क्या क्या है ये सब प्रेस्क्राइब करता है याद रहेगा यानी आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी अगर बोलेंगे तो स्पेसिफाई करता है सच क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट रिलेटिंग टू डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई इसका उल्टा कर दो प्रेस्क्राइब सच क्लास ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शन अदर देन डेट इंस्ट्रूमेंट और ये लोग दोनों क्या बताते हैं लोग दोनों क्या बताते हैं कि परमिसेबल है कि है नहीं वो कैपिटल ट्रांजैक्शन कितना तक परमिसेबल है कितना रु, रुपया इसके लिए विड्रॉल करना अलाउड है कोई इसके लिए प्री प्रीर्ड कंडीशन है क्या क्या कोई अप्रूवल लेना पड़ेगा एटसेट्रा एटसेट्रा याद रहेगा क्या ये सब पक्का श्योर अब इसके बाद पता है क्या बोला है यहाँ पे तीन टाइप का कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोला है एक ऐसा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो कि परमिसेबल नहीं है विच इज नॉट परमिसेबल एक ऐसा कैपिटल अकाउंट परमिसेब जिसमें कोई मतलब कोई कोई भी अप्रूवल लेने का दरकार नहीं है और ना कोई उसको मना कर सकता है समझ मार है और एक ऐसा कैपिटल कॉन ट्रांजेक्शन जो कि फ्रीली परमिसेबल है तीन चीज बोला एक ऐसा कैपिटल कैपिल्रांजेक्शन जो कि प्रोहिबिटेड है एक ऐसा कैपिटल कॉन ट्रांजेक्शन जो जिसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ही नहीं कभी भी और एक ऐसा कैपिटलॉन्ट ट्रांजेक्शन जो कि कहां पे मेंशनड है कुछ पीआरआई के लिए और कुछ पीआरओआई के लिए ऐसा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो पीआरआई के लिए अलाउड है और ऐसा कैपिटल ट्रांजेक्शन जो कि पीआरओआई के लिए अलाउड है तो जो पीआरआई कर सकता है वो शेड्यूल 1 में लिखा है जो पीआरओआई कर सकता है वो शेड्यूल 2 में लिखा है समझ मारे क्या बोल रहे हैं चलो देखो यहाँ पे पढ़ो ये डेफिनेशन क्लियर है कैपिटल कॉन्ट्रांजेक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन विच अल्टर्स असेट्स और लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ अ पीआरओआई आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पीआरआई क्लियर है देखो यहाँ पे पढ़ोगे डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगा आ जाओ रीड दिस डेफिनेशन ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन व्हिच अल्टर्स द

उसके लिए हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं कोई कंडीशन वगैरह उसके ऊपर है कि नहीं फिर उसके बाद और क्या बोला CG. <coughs> CG क्या करेगा? In consultation with RBI, prescribe करेगा नॉट इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट आर परमिसेबल लिमिट कितना विद्रॉ कर सकते हैं एनी कंडीशन अटैच टू इट क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट चलो अब इसके बाद मैंने आपको बोला कितना टाइप का ट्रांजेक्शन होता है देखो ये रहा एक हो गया ट्रांजेक्शन On which restriction cannot be imposed, और एक क्या हो गया ट्रांजेक्शन विच आर परमिसेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पी आर आई एंड अ पी आर ओ आई और जो पी आर आई के लिए लिस्ट है वो कहा हुआ है शेड्यूल वन में और पी आर ओ आई के लिए जो लिस्ट दिया हुआ है वो कहा हुआ है शेड्यूल टू में अब प्रॉब्लम क्या है ना ये जो शेड्यूल वन शेड्यूल टू में जो लिस्ट दिया हुआ ना तुम्हारे सिलेबस में ओडीआई रूल्स नहीं है तुम्हारे सिलेबस में एफडीआई रूल्स नहीं है रीपेट्रिएशन रूल नहीं है और कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन तभी ठीक से समझ में आता है जब ये सारे रूल्स को तुम पढ़ोगे खाली इन लोग क्या क्या कैपिल अकाउंट का लिस्ट देकर छोड़ दिया बट और, और गहराई में समझने के लिए यू शुड भी नोइंग ओडीआई रूल क्या होता है यू शुड बी नोइंग रिपेट्रिएशन रूल क्या होता है एफ रूल क्या होता है बट ये सब तो सिलेबस में है ही नहीं तुम लोग क्योंकि पढ़ेंगे हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे और इसलिए क्वेश्चन भी नहीं आएगा

बताएं अभी शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 1 में क्या है बताओ परमिसेबल ट्रांजैक्शन फॉर पीआरआई परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉर पीआरआई शेड्यूल 2 में क्या है परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉर अ पीआरओआई फिर एक जगह दिया हुआ लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन यानी ये पीआरओआई जो है ना हिंदुस्तान में आकर ये सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता तो ये तीन लिस्ट आपको याद करना है मैम उसका कोई शेड्यूल है क्या शेड्यूल थ्री है क्या नहीं कोई शेड्यूल नहीं है खाली यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में कितना शेड्यूल है दो शेड्यूल वन में क्या है परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बाई ई शेड्यूल टू में क्या है ट्रांजेक्शन डन बाई या पी आर वाई क्लियर है एकदम सिंपल सा बात है सुनो ना आज मान लो तुम क्या एप्पल का एप्पल का शेयर्स खरीद सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर्स खरीद सकते हो गूगल का शेयर्स खरीद सकते हो हिंदुस्तानी हो तुम हिंदुस्तानी खरीद सकते हो हाँ क्यों नहीं खरीद सकते

मैम को गूगल का शेयर खरीदना है मैम हो गई पी गूगल का शेयर हो गया सिक्योरिटी तो हो गया ना पी आर करना है बोलो आई को क्या करना है बोलो इन्वेस्ट <clears throat> करना पी आर आई सिक्योरिटी यानी गूगल में मेरे को शेयर इन्वेस्ट करना है शेयर्स खरीदना है और हम कौन हो गए पी आर आई कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक क्लियर है तो क्या कैपिटल में आएगा क्या हाँ बिल्कुल कैपिटल कॉन्ट ट्रांजेक्शन आएगा नेक्स्ट ध्यान से हम लोन लिए किससे लोन लिए पी आर से पीआरआईजन लोन फ्रॉम पी आर ओ तो मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हुआ आउटसाइड एंड यहां या उल्टा कर दो या उल्टा कर दो तो भी तो ये होगा या तो हम लोन लिए हैं या तो हम लोन दिए हैं या तो हम लोन लिए पी से या हम पी को लोन दिए तो ये सब किस में आ गया कैपिटल कॉन ट्रांजेक्शन ठीक है या फिर हम पता है क्या किए हैं आर के बिहाफ में गारंटी दिए लोन दिए या फिर क्या दिए हाँ वेरी गुड क्योंकि कॉन्टीन्यूट लाइबिलिटी हो गया ना इसमें इंक्लूड हो गया हम गारंटी दी ऑन द बिहाफ ऑफ पी आर ओ आई पी आर एजन गई या फिर हम क्या किए बताओ ना या हम क्या किए फॉरेन करेंसी लोन रेस किए फॉरेन करेंसी लोन मतलब कि आई एनआर में लोन नहीं लिये किस में लोन लिए डॉलर में या तो इंडिया में रेस किए या इंडिया के बाहर रेस किए बट लिए किसमें फॉरेन करेंसी में, में लिए ना तो वो भी किस में आएगा कैपिटल अकाउंट कौन ट्रांजेक्शन में आएगा या फिर हम क्या किए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी नोट हम लोग फॉरेन करेंसी नोट कितना तक रख सकते हैं बताओ 2000 यूएस डॉलर तक रख सकते हैं परमिसेबल है कि नहीं है बताओ क्लियर है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और होल्डिंग ऑफ क्या किए फॉरेन करेंसी नोट समझ में आ रहा है ये सब या फिर हम क्या किए सुनो ना एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हैं फिरंगी का फिरंगी मतलब समझते हो कोई फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी है उसका इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हम तो वो भी क्या हो गया कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कोई दिक्कत है या फिर हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बताओ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है तो बताओ छह सात पॉइंट हो गया बोलो मेरे साथ साथ क्या क्या। लोन से तो तीन पॉइंट हो गया लोन लिया PRA से पीआरआई लोन दिया है करेंसी। या तो इंडिया में रहकर या इंडिया के बाहर कोई दिक्कत नहीं है चार पॉइंट तो लोन से ही हो गया कोई दिक्कत फिर बोला सिक्योरिटी है हम माइक्रोसॉफ्ट का शेयर खरीदे हम गूगल का शेयर खरीदे तो सिक्योरिटी खरीदे इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी या फिर क्या बोला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और होल्डिंग ऑफ फॉरन अरे बोलो अभी तो बोला फॉरेन करेंसी ना यस और नो फॉरेन करेंसी क्लियर है और बताओ क्या बोला इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी लिया पी आर आई किस लिया है कोई फॉरेनर इंश्योरेंस कंपनी से ऐसा इंश्योरेंस कंपनी जो कहा है इंडिया के बाहर है या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में डील किए हैं क्लियर है या फिर तुम इंडिया में कोई कैपिटल असेट बेच कर इंडिया के बाहर रुपया भिजवाया है रेमिटेंसिस आउटसाइड इंडिया ऑफ अ कैपिटल असेट ऑफ अ पी आर आई पीआरए अपना कैपिटल सेट भेज बेच कर क्या किया रेमिटेंस की आउटसाइड इंडिया तो ये सब किसके अंदर आ गया बताओ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विच इज परमिसेबल भाई आप पीआरआई भाई आप पीआरआई एक बार सारा लिस्ट देख लो वापस से क्या क्या इन्वेस्टमेंट चलो एक एक करके लिस्ट पढ़ते हैं क्या क्या है? एकदम इसी इन्वेस्टमेंट भाई भाई आप पीआरआई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या हो गया पीआरआईआई अच्छा कहीं पर भी तुम देखोगे बुक में पीआरआईआई है तो एक ही बात है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ना पी आर आई बोल रहे हैं एक ही बात है तुम जो भी बोलो तुमको एक बार तो एग्जाम में फुलफॉर्म लिख कर आना ही पड़ेगा ना फिर ब्रैकेट में या तो तुम पी आर आई लिख देना या पी आर आई लिख देना तो तुम इन्वेस्टमेंट कहा बताओ फॉरेन सिक्योरिटी जैसे मैंने बोला ना डीए ने क्या किया डीए कौन है हमें डीए ने क्या किया इन्वेस्ट किया किसमें गूगल किसमें इन्वेस्ट किया बताओ गूगल का शेयर में ठीक है नेजटेक में ये सब इन्वेस्ट कर दिया फॉरन करेंसी लोन मैंने रेस किया है मैं हो गई पी आर आई या फिर क्या किया सुनो ना ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया भैया पी आर आई ट्रांसफर बोला है अक्वायर नहीं बोला है यानी मेरा कोई प्रॉपर्टी यूएसए में पड़ा हुआ है सोच so, मा वो हम क्या किए बेच दिए तो किस में आएगा अकाउंट ट्रांजेक्शन फ्रीली अलाउड है लेकिन अगर तुम कोई यूएस में प्रॉपर्टी पड़ा है तुम खरीद सकते हो क्या खरीद सकते हो लेकिन वो यहाँ पे आ रहा है क्या परमिसिबल क्लासेस में आ रहा है क्या उसके लिए ओडीआई रूल वगैरह लगेगा परमिशन लगेगा अप्रूवल लगेगा सोच मारे आर नॉट फ्रीली परमिसेबल ट्रांजेक्शन बाई पी आर आई तो मैम एक बात बताइए कि आपका प्रॉपर्टी लंदन में आएगा कैसे मेरा प्रॉपर्टी लंदन में आएगा कैसे गुड क्वेश्चन पता है मेरा प्रॉपर्टी लंदन में कैसे आया मेरे कोई दादाजी रहते थे उनसे मैंने इनहेरिट किया इनहेरिटेंस किया और मेरे दादाजी पी आर वाई थे फॉर एग्जाम्पल रिवर्स केस में होगा एग्जाम्पल ठीक है फॉर एग्जाम्पल चलो बता देते हैं ऋषि सुनक क्लियर ऋषि सुनक इज अ पी आर वाई अब वो अपना कोई प्रॉपर्टी जो है अपने ससुर जी के नाम पे कर दिया नारायण मूर्ति को दे दिया तो अब नारायण मूर्ति क्या किया प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लिया ना अपने दामाद से वैसे वाइस वर्सा होगा इंडिया में नारायण मूर्ति का प्रॉपर्टी कौन एक्वायर करने वाला है पीआरवाई ऋषि सुनक वो सेकंड केस में आएगा शेड्यूल टू में समझ मारे हम क्या बोल रहे हैं समझ ही नहीं रहे तुम लोग अरे ऋषि सुनक समझ मारे और कौन है नारायण मूर्ति उसका दामाद है ना आई I मीन mean, नारायण मूर्ति का दामाद है ना ऋषि सुनक इन्फोसिस का फाउंडर नारायण मूर्ति पता है कि नहीं है नारायण मूर्ति समझ गए क्या यहां तक क्लियर है तो एक चीज तुमने नोटिस किया इमूवल प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या है वहां पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है तुम उसको क्या कर रहे हैं ट्रांसफर करना फ्रीली परमिसेबल है लेकिन तुम पी अगर बाहर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो तुमको इजिली अलाउ नहीं करेगा तुमको गवर्नमेंट वगैरह का परमिशन लेना पड़ेगा ओडिया रूल्स बिकम्स एप्लीकेबल देयर रिपेट्रिएशन रूल ओडिया रूल विल बिकम एप्लीकेबल देयर जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो बस यहाँ पे याद रखना यहाँ एक्विजिशन नहीं है पी क्या कर रहा है अगर ट्रांसफर कर रहा है मेरा लंडन में कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी है हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं अलाउड है हम लंडन में नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं क्या वो फ्रीली परमिसेबल ट्रांजेक्शन में आएगा नहीं आएगा लेकिन हम लोग कितने बेकार हैं सुनना हम लोग फिरंगी लोग को अलाउ कर रहे हैं तुम लोग यहाँ पे खरीदो प्रॉपर्टी क्योंकि हम लोग को लग रहा है यार फॉरेन फौर, इन्फ्लू आ रहा है ना तो हम लोग उन लोग के लिए जब शेड्यूल टू में पड़ेंगे ना तो तुम लोग देखे वहां ट्रांसफर नहीं एक्वायर भी है फ्रीली परमिसेबल वो उन लोग का कानून में लिखा होगा कि नहीं अलाउड है हम लोग अपना कानून में लेकर तुम लोग को अगर यहाँ खरीदा तुम लोग आके खरीदो कोई दिक्कत नहीं आराम से खरीदो समझ मैडम क्या बोल रहे हैं चलो गारंटी इशूड बाई अ पी आर आई इन फेवर ऑफ अर वही या फिर क्या बोला बताओ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होल्डिंग ऑफ करेंसी नोट लोन एंड ओवर ड्राफ्ट बाई पी आर आई फ्रॉम अ पी आर ओ आई तुम लोन किससे लिया है पी आर ओ से लिया है ठीक है या फिर मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया आउटसाइड बाई आर आई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है किससे लिया है फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया या फिर लोन एंड ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट बाई पी आर आई टू अर ऊपर क्या पड़े थे पी आर आई लोन ले रहे पी आर आई से यहाँ क्या पड़े पी आर आई लोन दे रहे पी आर आई को या तुम अपना कैपिटल पी आर आई तुम उसका क्या करे? कर करे रेमिटेंस कर आउटसाइड इंडिया या फिर क्या बोला फ्यूचर और ऑप्शन में खेल रहे हो अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया लिस्ट ऑफ क्या शेड्यूल वन ट्रांजेक्शन जो कि, कि किसके लिए परमिसेबल है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर अ पी लिस्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फ्रीली परमिसेबल फॉर अ पी तुम चलो मेरे को कोई भी छह साठो पॉइंट बता दो तो तुम मेरा दिल जीत लोगे बोलो जल्दी से बिना देखे नंबर वन लोन से छठो पॉइंट है बोलो नंबर लोन लोन टेकन बाई अर आई फ्रॉम ओ आई ओके आई एग्री नेक्स्ट लोन गिवेन टूर पी आर आई या गारंटी गिवेन बाई आर आई टूरफ आई या फिर क्या बोला नहीं एक लोन से और पॉइंट बता दो ना फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज लोन ना तुम फॉरेन करेंसी लोन लिया है आउटसाइड इंडिया in या तुम फॉर कर रहे हैं पांच पॉइंट हो गया इन्वेस्टमेंट इन फॉर सिक्योरिटी खरीदा है प्रॉपर्टी ठीक है आउटसाइड इंडिया बाई आ पी आर आई एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ फॉरन करेंसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और हो गया सारा इंश्योरेंस वाला बोल दिया नहीं बोला वही रह गया पीआरए इंश्योरेंस लिया किससे फ्रॉम अ कंपनी फ्रॉम अ इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया हो गया सारा पॉइंट्स बताओ तो कुछ था इसमें तुम याद करना चाहो तो सब याद हो जाएगा खाली समझना है और स्मार्टली पढ़ना है इसको अब रट्टा मारोगे ना तो दो घंटा में भी याद नहीं होगा स्मार्ट स्टडी करना है लोन वाला पॉइंट गारंटी वाला पॉइंट इंश्योरेंस वाला पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स हम लोग शेयर खरीद रहे हैं एग्जाम्पल से यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग हो गया अब शेड्यूल टू तुमको क्या लगता है इजी होगा कि नहीं पूरा इसका उल्टा कर दोगे और क्या करोगे शेड्यूल टू क्या करोगे शेड्यूल टू का मतलब क्या हुआ होल्ट्रेशन क्या लिखा रहेगा ऑफ ऑफ इन इंडिया वही तो होगा शेड्यूल टू में यानी ऐसे जो परमिसेबल है किसके लिए फ्रीली परमिसेबल है किसके लिए पी आर ओ आई तुम लोग जैसे फॉरेन सिक्योरिटी खरीद रहे फिरंगी भी तो आकर खरीद सकता है रिलायंस का शेयर यस और नो अच्छा फिरंगी रिलायंस का शेयर नहीं खरीदना चाह रहे वो चाह रहा है कि इसका सोल प्रपोरशिप में इन्वेस्टमेंट कर, कर आ, करेगा तो सोल प्रशिप का तो शेयर नहीं होता ना या एच का तो शेयर नहीं होता ना या पार्टनरशिप फॉर्म इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसका तो शेयर नहीं होता ना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कैपिटल या तो स्टॉक खरीदेगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा शेयर्स खरीदेगा या क्या करेगा बताओ एफडीआई समझ मैं एफडीआई भी तो कर सकता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई एंड एफडीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और इंडस्ट्री वगैरह में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करना इज वॉट एफडीआई कंपनी का शेयर खरीद सकता है लेकिन एच यू एफ एनरशिप फर्म सब सबका क्या करेगा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो ये कर सकता है या तो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है बॉडी कॉर्पोरेट तो in तो का रिलायंस का शेयर खरीद रहा है या फिर क्या कर रहा है अच्छा ये शेयर कौन इशू किया इंडियन कंपनी होगा ना और कहने से बाई पी आर आई सिक्योरिटी अरिशुड भाइया पी आर आई सनमारे या फिर क्या कर रहे सुनो ना क्या बोला बाई वे ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई वे ऑफ क्या कॉन्ट्रीब्यूशन द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और कंसर्न और द एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन इंडिया या एओपी पार्टनरशिप फर्म सोल प्रोपराइटरशिप इन इंडिया में उन लोग क्या कर रहे हैं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऊपर में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी था यहाँ क्या रहेगा एक्विजिशन भी रहेगा बोला था पी क्या कराकर हिंदुस्तान में

करेगा ना आउटसाइड इंडिया ऑफ हो गया ना गारंटी लोन वाला सब कवर्ड ही था ऊपर बताओ क्लियर है कि नहीं डन कोई दिक्कत तो एकदम इजी है कि नहीं बताओ शेड्यूल वन शेड्यूल टू ईजी है कि नहीं इसका शेड्यूल वन शेड्यूल टू ईजी है कि नहीं जल्दी से बता दो वापस से मेरे को बताओगे कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया

हम लोन ले रखे फिरंगी से हमको लोन का इंस्टॉलमेंट रीपे करना है अब तुम मेरे को बताओगे हो भाई. लोन को रीपेमेंट करने के लिए कंडीशन रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता तो अमोर्टाइजेशन लोन मतलब क्या? चुकाना ना अरे अमोर्टाइजेशन लोन मतलब क्या तुम लोन कैसे कोई कम करेगा जब तुम लोन का क्या कर रहे हो रीपेमेंट कर रहे हो समझ में ऑफ द इन्वेस्टमेंट फिर ऑफ द क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या तो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन या डेप्रिशिएशन ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस समझ मारे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है उसका डिप्रिशिएशन राइट ऑफ करना वैल्यू गिर गया है तो सब तुम तो मेरे को मना नहीं कर सकते हो मैंने लोन लिया है लोन को मैं रीपे कर रही रू फिरंगी को इंस्टॉलमेंट वगैरह चुका रही चुकारिय तुम मेरे को नहीं बोल सकते इतना इंस्टॉलमेंट में रीपे करो या इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है इसके लिए हम तो अलाउ नहीं करेंगे फॉरेन करेंसी विड्रॉ करना यू कैन नॉट

जो लिमिट बताया था ना ढाई लाख का वो खाली करेंट के लिए नहीं है वो दोनों मिलाकर है करेंट और कैपिटल अगर उसके ऊपर करोगे तो क्या करना पड़ेगा आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा याद है तो पहला पॉइंट यही लिखा जो ऑलरेडी तुम पढ़ चुका है ये तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुका है ढाई लाख पर फाइनेंशियल ईयर समझ मारे अगर उसके ऊपर विड्रॉ करोगे तो क्या करना पड़ेगा बताओ आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा तो मैम ये तो करंट में था यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि वो जो लिमिट दिया है वो दोनों के लिए करंट प्लस कैपिटल मिलाकर के लिए ढाई लाख कैपिटल के लिए ढाई लाख नहीं है दोनों मिलाकर ढाई लाख यूएस डॉलर है उसके ऊपर करोगे तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा तो बेसिकली आपका यहां से चालू हो रहा है? है तो यहां पर लिख लो प्रोहिबिटेड कैपिटल ट्रांजेक्शन वो सब तो पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी सुनो अब जबरदस्त बात बता रहे हैं। एक ऐसा पीआरओआई जो हिंदुस्तान में आया है पता है क्या चीज में इन्वेस्ट करने के लिए चिट फंड निधि कंपनी कसीनो लॉटरी गैम्बलिंग नहीं अलाउ करेंगे हम लोग भले हम लोग हिंदुस्तान में कर रहे हैं चिट फंड का काम हम लोग का कंपनी है या कोई सोल प्रोपोडरशिप है सोल प्रोडरशिप तो होगा नहीं पार्टनरशिप है सोनमार है तो उसमें आकर क्या फिरंगी इन्वेस्ट कर सकता है क्या नहीं कर सकता चिट फंड हुआ निधि निधि पता है निधि पढ़े थे ना निधि क्या होता है सेविंग्स वगैरह थ्रिप्ट वगैरह

सिमिलरली चिट फंड को भी तुम बख्श दो क्योंकि लोग आकर क्या करेगा पता नहीं चिट फंड तुमको समझ में आता है चिट्टी बोलते हैं प्यार से इसको कूरी बोलते हैं किट्टी बोलते हैं किट्टी हाँ किट्टी पार्टी का कॉन्सेप्ट चिट फंड से आया है तुम घर में देखते हो गए तुम्हारी मम्मिया जो होती है दस मम्मियां इकट्ठी हो गई और बोली कि चलो महीना भर में हम लोग इतना इतना रुपया देंगे दस हजार दस हजार दस हजार फिर लॉटरी सिस्टम से जिसका चिट में नाम आया उसको रुपया मिल गया बट एक बार जिसका नाम आ गया वो हट गया फिर नाइन मेंबर्स का वापस से विड्रॉल होगा तो ऐसे करके क्या हो रहा है हर महीना दस दस हजार ले रहे हैं और कोई भी एक बंदा पूरा लमसम अमाउंट विद्रॉ कर ले रहा है एक बार में ऐसे करके सबको लमसम अमाउंट मिल जाएगा तो इससे क्या हो रहा है सेविंग्स वगैरह प्रमोट हो रहा है ना किट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो क्या यार तुम्हारे घर में होता होगा तुमको पता ही नहीं है किट्टी पार्टी वगैरह नहीं सुने हो क्या पूछना मम्मी से जाकर तुमको पता ही नहीं चलता है लो मम्मी चुपके से सेविंग्स कर रही है किटी पार्टी का कॉन्सेप्ट मतलब क्या वो किटी पार्टी मतलब ऐसा नहीं है वो लोग जो है गपशप कर रहे गपशप तो करते ही हैं चाय पानी भी होता है पिकनिक भी होता है बट इसके अलावा उसका मेन पर्पस क्या है ये जैसे सपोज करो हम लोग दस जन है या तुम लोग दस जन हम किटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आई एम द ऑर्गेनाइजर दो दस हजार दस हजार दस हजार सबसे ले लिए दस हजार इंटू दस कितना हुआ? एक लाख मेरे पास एक लाख रुपया आ गया कॉर्पस में कोई दिक्कत पहला महीना अब तुम लोग दसों का नाम चिट में हम रख दिए चिट बनाकर कर होते हैं ना राम श्याम जोधु मोदू ऐसे करके एक तो बोल बना के रख दिए उठाओ चलो उठाओ ये बच्ची उठाई किसका नाम आया किसका नाम आया यश तो ये एक लाख रुपया हम किसको दे देंगे यश को दे देंगे

चिट्टी इज लीगल इन इंडिया चिटफंड कंपनी खोलना पड़ेगा पूरी भी बोलते हैं इसको चिट्टी भी बोलते हैं किट्टी भी बोलते हैं समझ रहे हैं? जो ऑर्गेनाइजर होता है ना उसको खुद का भी कुछ रुपया लगाना पड़ेगा क्योंकि जैसे ये बोला ना ये भाग गया तो फिर मेम्बर को रुपया कौन देगा हम देंगे समझ मारे तो मेरा क्या फायदा है फायदा है क्या फायदा बताओ अब जैसे हम चिटफंड खिलवा रहे हैं अब अचानक से ये बच्चा के बोला कि मैम आई मीन अर्जेंट नीड ऑफ द फिनेंस मेरे को आज ही रुपया दे दीजिए भले इसका नाम नहीं है बट ये इंसिस्ट कर आज रुपया देने के लिए मैंने बोला हम दे देंगे लेकिन तुमको ना एक लाख रुपया की जगह हम नब्बे हजार देंगे बट लेंगे तुमसे कितना पूरा एक लाख कुछ रुपया काट के दे दिए ना समझ में आ रहे तुमको ठीक है तो यही जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है कुरी का आई I मीन mean चिट्टी का दोनों सेम ही है तो ये सब में हम लोग बोल रहे हम लोग काफी है तुम लोग का दरकार नहीं है हम लोग को किसका दरकार नहीं है फिरंगियों का पी आर ओ आई ये सब जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकता निधि तो तुमको पता है नहीं कर सकता चिट्टी में नहीं कर सकता चिटफंड में नहीं कर सकता एक बात बताओ एग्रीकल्चर में हम लोग काफी नहीं है क्या हमारी देश की मिट्टी है हम इसमें सोना उगलेंगे तुम लोग नहीं उगलोगे आके तुम लोग को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे एग्रीकल्चर प्लांटेशन में हम लोग तुमको अलाउ नहीं करेंगे समझ मा रहे फिर बोल रहे हैं टीडीआर में नहीं अलाउ करेंगे किसमें ट्रांसफरेबल डेवलपमेंटल राइट बोलो मेरा संघ क्या है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंटल राइट टीडीआर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंटल राइट नाउ वॉट इज टीडीआर मेरा एक जमीन था सरकार आया बोला ये जमीन खाली करो तुमको पैसा दे दे रहे तुमको पता है ना कितना बार जगह स्लम एरियाज में तो स्पेशली होता है कंपलसरी एक्विजिशन सरकार बोल दिया तो तुमको बेचना ही पड़ेगा नहीं तो सरकार आके बुलडोजर चलाएगा पता है कि नहीं ये बात तो मेरा जमीन पड़ा था सरकार बोल रहा है तुमको जमीन खाली करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे एक प्लांट बैठा रहे समझ मा रहे ग्रीनरी प्लांट बैठा रहे जबकि उल्टा बैठा रहा था पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए प्लांट बैठा रहा था तुमको क्या लगता है कोई ग्रीन ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए प्लांट बैठा रहा है क्या वो उसको करना क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा दे दिया होगा अंबानी जी का फोन चला गया होगा मोड़ा भाई का बोला होगा मोदी जी को कि अरे खाली करवाओ वो जगह मेरे को चाहिए एक बहुत बड़ा प्लांट बना रहे फैक्ट्री बैठा रहे हैं क्या चीज का कैंपा कोला का सनवा रहे <laughs> तो इन दैट केस कंपल्सरी एक्विजिशन कर रहे हैं ना मेरे लैंड का सरकार तो अब मैंने बोला एक तो तुम ऐसे ही इतना गलत काम कर रहे हो मेरा सब कुछ यहाँ पे है तुम मेरे को हटवा रहे हो तुम एक काम करो पैसा मत दो मेरे को अभी क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हम ये जमीन लिए थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को तो लग रहा है ऐसे दस साल बाद इसका जो दाम है ना वो दस गुना हो जाएगा तो हम तो बेकूफ बन जाएंगे एक तरह से आज ही तुमको बेचकर तो तुम एक काम करो लैंड ले लो बट हम तुमसे खाली एक रिक्वेस्ट करे मेरे को पैसा मत दो मेरे को राइट टू रिसीव मनी दे दो टी डी so, आर सॉम ए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंटल राइट यानी फ्यूचर में जब मेरे को दरकार पड़ेगा पैसा को और जब मेरे को लगेगा मार्केट वैल्यू अच्छा हो गया है हम ये टी डी आर तुमको आकर दे देंगे और तुम मेरे को क्या कर देना मार्केट वैल्यू जो प्रिवेलिंग उस समय चलेगा मेरे को दे देना मंजूर उसको बोलते हैं टीडीआर

चिटफंड निधि पढ़ा और क्या पड़ा टीडीआर पड़ा पढ़ा और क्या पड़ा बताओ एग्रीकल्चर पड़ा एग्रीकल्चर बोला ना रियल एस्टेट और एक बोलो क्या है रियल एस्टेट रियल एस्टेट के धंधे में हम तुमको घुसने नहीं देंगे लेकिन फिर इसमें एक एक्सेप्शन डाल दिया टाउनशिप का डेवलपमेंट के लिए आप कर रहे हो ना तो अलाउड है टाउनशिप का डेवलपमेंट मतलब तो तुमको पता है डैम ब्रिजेस रेलवे अलाउड है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो टाउनशिप भी आता है लेकिन बोला नहीं उसके लिए अलाउ है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को लग रहा है यार इतना पैसा चाहिए इन लोग तो आएगा तो कुछ गजब का ही ब्रिज बनाकर जाएगा लंडन ब्रिज बना के चला जाएगा समझ आ रहा है तो अलाउ कर दो इन लोग को इसमें देखो क्या क्या बोला मैंने आपको सुनो ध्यान से प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं ना हम लोग क्या क्या पढ़ा बताओ द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया यानी पीआरआई इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन एनी फॉर्म चाहे वो कंपनी में करे या पार्टनरशिप में या प्रोप्राइटरी फॉर्म में जो क्या चीज में एंगेज है बताओ ऐसा कंपनी ऐसा प्रोप्राइटरी फॉर्म ऐसा पार्टनरशिप फर्म जो हिंदुस्तान में क्या चीज में एंगेज है चिट फंड का बिजनेस में तो चिट फंड में हम लोग तुमको अलाउ नहीं करेंगे या फिर किसमें बताओ निधि कंपनी में या फिर क्या बोला एग्रीकल्चर और प्लांटेशन या क्या बोला बताओ रियल एस्टेट लेकिन रियल एस्टेट इधर फॉर दिस पर्पज ऑफ फेमा शेल नॉट इंक्लूड किया डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप तो उसमें हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग अलाउ करेंगे या फिर क्या बोला ट्रेडिंग इन टीडीआर तुम टीडीआर में आकर यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते टीडीआर का मतलब तुम जानते हो क्या होता है बोलो पढ़ लो रीड दिस गजब ये पूरा ही बंद करके चला गया सब क्वेश्चन पढ़ो इसको इट गीस सर्टिफिकेट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या कैटेगरी ऑफ द लैंड फॉर पब्लिक आइदर बाई द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक बोलता है बोल के तो वैसे ही लेगा पब्लिक का भला ही होगा ये जो फैक्ट्री बैठा रहे हैं बट भला किसका होता है इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का इन कंसिडरेशन ऑफ सरेंडर ऑफ लैंड बाई द ओनर विदाउट मॉनिटरी कंपनसेशन ट्रांसफरेबल इन पार्ट और होल समझ गए फिर और क्या बोला तुमको क्या लगता है तुम कोरिया के इंसान के संग करोगे क्या कभी ट्रांजेक्शन भारत सरकार परमिशन देगा क्या तो बोला कोरिया वगैरह है ना कोरिया 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 के संग ट्रांजेक्शन क्या है प्रोहिबिटेड कोरिया के संग हम लोग नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते पूछ रही है तुमको कल याद है बोले थे नॉर्थ कोरिया में तो कोको -को -को भी बैन है तुम जाओ तुम रिटर्न ही नहीं आओगे कोरिया पर जाओ तुम रिटर्न ही नहीं सोनमार है लोग साउथ कोरिया जाने से घबराते हैं तो नॉर्थ कोरिया जाना चाहिए बच्ची क्लियर है टेम्परेचर बढ़ाने का एक सिस्टम होता है हाँ उसको आप बढ़ा दीजिए कृपया करके ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी तुमको सोन कोरिया के लोगों से तुम ट्रांजेक्शन कर सकते हो हाँ या ना नहीं हाँ बोल रहे हैं हाँ कर सकते हैं अरे क्या बात कर रहा है मतलब वहाँ जैसे इंडिया इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री ना यहाँ डेमोक्रेसी है तुम आए दिन मोदी जी के लिए कुछ भी बोल दो बोलते ही रहते हैं तुम लोग नहीं बोलते कोई बाहर वाला तो बोलता ही होगा सोना रहे अगर तुम कोरिया में अगर ऐसा करोगे ना वहां पे मोनोपोली है तुम अगर बोल दोगे ना उसके खिलाफ तुम दूसरे दिन शूट उसी दिन दूसरे दिन नहीं तुम उसी दिन शूट कर दिए जाओगे उसी दिन तुम गायब हो जाओगे हाँ एक ऊपर एक तुमको बताया था मैंने केस स्टडी उसी दिन तुमको या तो मार दिया जाएगा या तुमको गायब कर दिया जाएगा पता ही नहीं चलेगा और वहां का जो रिपोर्ट है ना वो कभी तुमको बाहर नहीं आएगा ये भी बात तुमको पता होना चाहिए वहां का जो तभी तो वहां पे वो सब बैन है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब बैन है कोई लीक ही नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन वगैरह सब बैन है वहां पे जो चैनल्स होते हैं ना वो चैनल्स भी उन लोग का चलता है वो भी लिमिटेड चैनल है वो भी दिखाएगा गवर्नमेंट के बारे में गवर्नमेंट कितना अच्छा है गवर्नमेंट तुमको कितना प्यार कर रहा है कितना हेल्प कर रहा है सब अच्छा अच्छा चीज दिखाएगा कुछ बुरा चीज दिखाएगा ही नहीं वहां और इसको करना कोरिया के संग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो नॉट अलाउड प्रोहिबिटेड स्ट्रिक्टली आ रहा है प्रोहिबिटेड ठीक है अरे बोलो जल्दी अच्छा अब जहां पे प्रोहिबिटेड बोल दिया था कैपिटल एक चीज और सुनो ना अभी यहाँ पे तीन लिस्ट पढ़ा हम लोगों ने तीन लिस्ट क्या क्या पढ़ा जल्दी से बता दो मुंह खोल के ढंग से बोलो नहीं तो बहुत भयानक वाला झाड़ पड़ेगा तीन टाइप मैंने पढ़ाया अभी बोलो क्या क्या पढ़ाया कैपिटल पढ़ा ऐसा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जिसका लिस्ट मेंशन है शेड्यूल वन में फ्रीली परमिसेबल बाई अ पी आर आई शेड्यूल टू में फ्रीली परमिसेबल बाई अ पी आर ओ आई

जो भी कैपिटल ट्रांजेक्शन बचा यहाँ पे हम लोग लिस्ट किए ना इतना सारा प्रोहिबिटेड का कुछ लिस्ट किए फ्रीली अलाउड का किए पी आर आई पी आई का ट्रांजेक्शन तो कर सकते हो ओ, अच्छा, किसका अप्रूवल क्यों लगे मतलब किस ट्रांजेक्शन का कोई भी कैपिटल ट्रांजेक्शन का बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक श्योर sure, पक्का अच्छा और एक चीज बोला है तुमको क्या लगता है तुम ऐसे लोगों के संग ट्रांजेक्शन कर सकते हो क्या जिन लोग को कौन बैन कर रखा है बताओ

हो गया क्या यहां तक उन लोगों को हम लोग बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्री टेररिस्ट कंट्री हाँ और ये आपको पता है लिस्ट आते रहता है ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट टाइम टू टाइम आरबीआई रिलीज करते रहता है दिखाते हैं हम तुम लोगों को एग्जैक्टली कितना लिस्ट है मैं दिखा देती हूँ ये सब है नहीं आपके सिलेबस में बट यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग देख लो अरे नहीं चाइना के संग तो हम लोग करते ही है ट्रेडिंग क्या बो? ग्रे लिस्ट का मतलब तुमको समझ आ रहा है अरे बोलो मतलब कि कर नहीं सकते दे आर अंडर रिव्यू मतलब अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे इन को हम लोग क्लीन चिट दें कि ब्लैक के अंदर डाल दें तो दे आर अंडर वॉट रिव्यू समझ मार है हाँ सस्पिशन तो है ना कि उन लोग क्या कर रखा है मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग करता है देख रहे हो प्रोलीफरेशन फाइनेंसिंग करता है दे आर द लिस्ट ऑफ द ग्रे लिस्ट ये रहा देखो ग्रे लिस्ट कंट्रीज पाकिस्तान भी इसमें पनामा फिलीपींस जिम्बाब्वे ब्लैकलिस्ट देखो ब्लैकलिस्ट में कौन कौन है कोरिया नॉर्थ कोरिया ईरान समझ में है भयानक है लोग खतरनाक है नॉर्थ कोरिया भयानक खतरनाक है तुम तो बोल रही हो ट्रांजेक्शन करेंगे ब्लैकलिस्ट में है वो लोग ग्रे में भी नहीं है डिस्ट्रॉय करना कंट्री को गवर्नमेंट के खिलाफ उल्टा फुल्टा भर देना तुमको पता नहीं है बहुत सारे कंट्री में लोग कैसे घुस जाते हैं टीचर बनकर घुस जाते हैं स्कूल में बच्चा लोग को उनका रिलीजन कन्वर्ट करवाने में लग जाते हैं पता नहीं है तुमको ऐसा बात क्या टेररिज्म होता है किसके साइड्स पे यू इवन डोंट नो हाउ द इनोसेंट पीपल आर गेटिंग टर्निंग इन टू टेररिस्ट तो बहुत ज्यादा आजकल ये सब हो रख है एंड विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दिस इज स्प्रेडिंग इवन इन तुमको पता नहीं बट इंडिया में भी बहुत जगह ऐसा कुछ हो रहा है स्वन मार है इसके ऊपर एक मूवी भी आया था ठीक है इतना क्या देखना है भाई तुम लोग को कौन सा लिख कर आना है लिस्ट थोड़ी आएगा राइट डाउन द ग्रे लिस्ट राइट डाउन द ब्लैक लिस्ट कंट्री का नाम नहीं तुमको आइडिया लेना था समझ में आ गया ग्रे लिस्ट क्या होता है ब्लैक लिस्ट क्या होता है ग्रे लिस्ट क्या होता है ब्लैक लिस्ट क्या होता है आइडिया आ गया यस और नो उन लोग के संग करोगे ट्रांजेक्शन कर लो तो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों तुमको जो है ना देश निकाला कर देगा क्लियर तो इन दैट केस मेरे को बताओ क्या ये भी प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है क्या हाँ तो प्रोहिबिटेड में क्या क्या आया एक तो बोला कि ढाई लाख यूएस डॉलर के ऊपर अगर वो सब करोगे तो अलाउड नहीं है अप टू ढाई लाख

लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी तुम ऑलरेडी होल्ड करो हो बिकॉज बाई वे ऑफ इनहेरिटेंस या फिर तुमने वो प्रॉपर्टी होल्ड किया है एट द टाइम वेन यू वर अ पी आर ओ आई बट नाउ यू है तुम पहले पी आर ओ आई थे तुम फिरंगी थे आई I मीन mean तुम बाहर काम कर रहे थे अब मान लो कि तुम्हारे पास ना आ, हम लोग कितना फॉरन एक्सचेंज कैरी कर सकते हैं दो हजार दो हजार तक रख सकते हैं ना दो हजार यूएस डॉलर लेकिन हम इतना साल काम किए मेरे पास पांच लाख यूएस डॉलर है समझ में लेकिन अब हम इंडिया में आकर बिजनेस करने लग गए तो हम कौन हो गए तुम लोग मेरे को क्या बना दिया पी पहले तो हम जो पैसा कमाए वो किस लिए कमाएंगी आर ओ आई इसीलिए चोरी तो नहीं किए तो क्या करें हम पी आर आई बन गए तो क्या करूं डॉलर को जला दूं दूं फेंक क्या करूं ये तो मेरा हाँ बांट दीजिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हारा नहीं है मैं तुम्हारे पर एक्साम्पल देते हैं तब तुम नहीं बोलता बांट दीजिए इम्पैथी इम्पेथाइज करो मेरे साथ मतलब स्टेप इन माई शूज एंड देन टेक द डिसीजन ये तुम्हारे संग होता तुम कमाए हो इतना रुपया तो तुमको नहीं लगता कि तुमको गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए इंडिया में उसको लेकर तुम्हारा रुपया है, अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो तो तुम क्या उसको होल्ड कर सकते हो? हाँ। तो दो केस में कहा जब तुमने उसको अक्वायर किया था वे वाई याव अक्वाई वे ऑफ इनहेरिटेंस दादाजी की पुष्टिनी प्रॉपर्टी हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा दादाजी का आखिरी ख्वाहिश था लंदन वाला रखना तो दादाजी का समझ इंडिया होल्ड कर सकती हूँ ट्रांसफर भी कर सकती हूँ समझ में आया इसका उल्टा बताओ पी आर आई के लिए क्या होगा वैसे पीआरआई में होल्ड ट्रांसफर ओन इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटी इंडियन इमूवल प्रॉपर्टी या इंडियन करेंसी सिचुएटेड इन इंडिया अगर वो, वो पी आर आई ने था वेन ही वॉज अ पी आर आई या बाई वे ऑफ इनहेरिटेंस so, यहाँ पे आएगा वे ऑफ इनहेरिटेंस ऋषि सुनक को सारा प्रॉपर्टी मिलने वाला है नारायण मूर्ति का तो क्या नहीं मिलेगा बताओ नारायण मूर्ति का तो इंडिया में प्रॉपर्टी है उसका वारिस कौन बनेगा ऋषि सुनक ही तो बनेगा तो क्या बोलोगे ऋषि सुनक को नहीं तुम अलाउड नहीं हो बिकॉज यू आर पी आर आई दट पी आर आई कैन अक्वायर प्रॉपर्टी इन इंडिया और एनी इंडियन सिक्योरिटी इन इंडिया बाई वे ऑफ इनहेरिटेंस इसको तो इनहेरिटेंस के जरिए मिला है वसीयत में नारायण जी का कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को पढ़ो इसको अक्वायर कर सकते हैं दो केस में अगर तुमको बाय इनहेरिटेंस मिला है या तुम अक्वायर कब किया था जब तुम पी था आफ्टर बिकमिंग अ पीआरआई यू कैन ओनली अक्वायर बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस एंड बाय नो अदर वे अक्वायर कर सकते हो लेकिन फिर उसके लिए फ्रीली नहीं है उसके लिए ओडिया रूल वगैरह लगेगा कंडीशन है ना उसके लिए ट्रांसफर तो तुम बिना किसी के पूछे कर सकते हैं। मेरा लंडन में प्रॉपर्टी है हमको तुमसे पूछना पड़ेगा क्या तुम कौन आरबीए तुम कौन सीजी? किसी से नहीं पूछना होगा अभी तो पढ़ो तुम शेड्यूल वन का लिस्ट ट्रांसफर ट्रांसफर कर सकते हैं ना तो ट्रांसफर वर्ड क्यों दिया है यही सब पॉइंट्स की वजह से ना हो सकता है तुम्हारा पुराना कोई प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है समझ रहे हो क्या पढ़ो इसको क्लियर है कि नहीं है इज इट क्लियर ऑन टेल मी श्योर चलो अभी डेफिनेशन लिखो कैपिटल कैपलकाउट ट्रांजेक्शन का कॉपी में यू नो इट ऑलरेडी अपने आप लिखो सब चीज हम नहीं लिखवा सकते लिखो क्या लिखोगे डेफिनेशन एज पर कौन सा सेक्शन में था six. बस तुम हेडिंग दो कैपिटल कैपिलकाउन ट्रांजेक्शन सेक्शन सिक्स और डेफिनेशन बताओ क्या था मीन्स आ ट्रांजेक्शंस जो क्या कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया ना ऑफ अच्छा तुम एग्जाम में ऐसे पी आर आई लिख कर आएगा क्या पूरा लिखना पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इफ यू वांट यू कैन राइट इट राइट नाउ आल्सो इंडिया ऑफा a... ये सेक्शन हाँ, में यहां पॉइंट्स है सेक्शन में हम तो तुमको पता है सब सेक्शन वगैरह कैसे लिखते हैं आरबीआई किससे कंसल्ट करेगा इन कंसल्टेशन विथ सी जी सजेक्शन और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स बोलो स्पेसिफाई करेगा लिमिट्स और क्या कंडीशंस ना और इसके अलावा क्या बोला था बताओ इसका पूरा उल्टा लिख लोगे अपने आप सीजी के लिए स्पेसिफाई करेगा फिर वही सेम ही है ना वही कंडीशन प्रेस्क्राइब करेगा लिमिट प्रेस्क्राइब करेगा एटसेट्रा क्या पढ़ा था तीन टाइप का ट्रांजेक्शन बोलो तीन टाइप का ट्रांजेक्शन क्या था ट्रांजेक्शन विच आर प्रोहिबिटेड जिसमें कभी कोई रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं हो सकता एंड ट्रांजेक्शन विच आर परमिसेबल और परमिसेबल में क्या बोला था बताओ विच आर पीआरआई एंड फॉर पी आर आई के लिए जो परमिसेबल है उसका लिस्ट कहां पे है <coughs> <coughs> और नो रेस्ट्रिक्शन में खाली दो ही था और क्या था बताओ प्रोहिबिटेड में एक एल आर एस वाला करेंट प्लस कैपिटल करंट वाला कौन सा ढाई लाख किसके लिए था शेड्यूल थ्री वाला के लिए था ना इंडिविजुअल के केस में थ और किसके संग प्रो, प्रोहिबिटेड टेररिस्ट कंट्रीज डिक्लेयर्ड बाय कौन तुम लिख सकते हो ब्रैकेट में क्या क्या था उसमें ग्रे लिस्ट प्लस और एग्जांपल लिख सकते हो नॉर्थ कोरिया प्रोहिबिटेड तुमको खुद से ही लिखना है या मैसेज शॉर्ट में लिखवा दे रहे हैं और बताओ क्या लिखोगे प्रोहिबिटेड में अब तुम पढ़ो पी पिया, आर ओ आईज इन्वेस्टमेंट ठीक है मैंने लिखा है इन चिट फंड तो तुम क्या बोल ये अलाउड है क्या आप तो लिख रहे पी आर ओ इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड ऊपर देखो क्या लिखा है हेडिंग प्रोहिबिटेड यानी कि या ये अलाउड नहीं है ठीक है और कहां पे बताओ निधि कंपनी एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन ट्रेडिंग इन टी रियल एस्टेट एक्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप सारा पॉइंट हो गया देख लो तो क्या अगर मतलब टाइम नहीं भी एक बार समरी ही रिवाइज कर लोगे सारा पॉइंट कवर हो जाएगा एल आर एस स्कीम था एक टेररिस्ट कंट्रीज डिक्लेयर्ड बाई एफ टी एफ एस्ट ग्रे लिस्ट लिस्ट. ग्रे लिस्ट, लिस्ट लिखा नहीं है बट तुम लिख सकते हो एफ ए टी एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफ ए टी एफ करो उसको नॉर्थ कोरिया एक्सेट्रा पी आर आई इन्वेस्टमेंट एंड चिट फंड निधि कंपनी एग्रीकल्चर प्लांटेशन ट्रेडिंग इन टीडिया रियल एस्टेट एक्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप जल्दी लिख लो अब बताओ तुम लोग होमवर्क में क्या लिख कराएगा शेड्यूल वन और शेड्यूल टू तो तुम लोग को दिखेगा क्या लो देखो शेड्यूल वन में मेरे को याद है तुम लोगों को दस आइटम था याद हो गया है लिखवा दें क्या हम कि लिख लोगे लिख लोगे क्योंकि अभी मेरे को क्वेश्चन आंसर्स करवाना है करवाएं बोलो कहाँ पे हो क्या देखना है ऊपर करें नीचे कहाँ बोलो ना पूरा स्टार्टिंग से लो देखो स्टार्टिंग से अब बस जितना पढ़ा दिए उतना पढ़ के चल जाना फुल मार्क्स आएगा फेमा में ये मेरा गारंटी है और एक्स्ट्रा ज्ञान और दिमाग मत लगाना जितना पढ़ाए उतना पढ़ लेना सारे ही पढ़ा दिए इनफैक्ट और यहां पे लिखो शेड्यूल वन और शेड्यूल टू का जो लिस्ट है मैट बट मैट नहीं कॉपी में लिख लेना बोलोगे तो लिखवा दें लिखवाएं सम्स करवाएं डायरेक्टली पक्का लिख लोगे प्रॉमिस फिर बच्चे बोलेंगे हम लोग अभी कुछ कुछ जो है बच्चे हम पुराने होमवर्क नहीं किया नया होमवर्क लाद दियो हम कल कॉपी चेक करेंगे आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग यू और जो होमवर्क नहीं करेगा देखना कल तुम्हारा क्या करेंगे हम अब कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा ठीक है नहीं करके आएंगे देख लेते क्या करेंगे अरे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लेना ठीक है और मेरे को ये बिल्कुल भी मत बोलना हम घर नौ बजे पहुंचे दस बजे पहुंचे और ग्यारह बजे घायल होकर सो गए और फिर सुबह उठे और आ गए सनमार है अलार्म वगैरह सेट करके सोना छह बजे उठ के करो एक घंटा करो एक घंटा भी करोगे होमवर्क हो जाएगा और ये अभी कर लोगे बस खत्म तुमको फेमा पूरा बस जाएगा दिमाग में भूलोगे ही नहीं कहाँ पे हो बोलो छूट गया छोड़ दो बाद में कर लेना क्वेश्चन करे क्या अभी बाद में लिख लेना ना दोस्त का जो है कॉपी फोटो खींच लो एग्जाम में छापता है लेकिन अभी नहीं छापेगा करो जल्दी आओ क्वेश्चन आंसर्स में गाइस कम ऑन सुनो पांच तो एमसी है जबरदस्त वाला ये होमवर्क है सुन रहे हो मैट में पांच एमसीक्यू है जबरदस्त वाला ये आपके लिए होमवर्क है देख रहे हो एमसीक्यू कितना बड़ा है ये क्वेश्चन है और ये चट्टो ऑप्शन है मार्क्स है <laughs> अरे बहुत इजी है कर लेना वन वन सेवन चलो एक बार डिस्क्रिप्टिव करेंगे एमसीक्यू बचेगा तो लास्ट में क्लास में ही कर लेंगे डिस्क्रिप्टिव में आओ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसका कम उन. आ रहे हो क्या आ जाओ प्रिंटेक्स कंप्यूटर इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया वेरी गुड ठीक है यानी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है यानी ये है पी आई है ना इट हैज अ यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर प्रिंटर लेकिन इसका पुणे में है ये जो पुणे वाला हेडक्वार्टर है तो तुमको पता है ना एनी ब्रांच ऑफिस एजेंसी सिचुएटेड इन इंडिया इवन कंट्रोल्ड ओन बाई पी आर ओ आई विल बी आर पी आर आई कुछ याद आ रहा है जापानीज टॉय मेकिंग कंपनी याद करो और उसका मुंबई में था हेड ऑफिस सिंगापुर ब्रांच को कंट्रोल करा था और दोनों ही क्या था पी आर आई सेम टू सेम क्वेश्चन है यानी ये जो पुणे वाला हेडक्वार्टर होने वाला है इट इज अ ब्रांच इन इन दुबई ओके इज द पुणे एनी ब्रांच ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड बाई आर आई शेल ऑल्सो बी या पी आर आई अब बोल रहे तुमको क्या बताने रेसिडेंशियल स्टेटस पुणे वाला और दुबई वाला तो दोनों ही क्या होगा PRI. दोनों ही क्या होगा पी आर आई रीजन बता दिया मैंने लिख लोगे पक्का डेफिनेशन लिख लोगे पहले फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखना पी आर ओ आई सिर आई सिंह बट कंट्रोल बाई विल बी पी आर आई क्लियर है कोई डाउट है हो गया क्वेश्चन वन चले क्वेश्चन टू में चलो मिस्टर सेन एन इंडियन नेशनल डिजायर टू ऑपटेन फॉर एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग दिंग ओके देखो आ गया ना पहचान कौन बताओ होगा कि नहीं अरे क्वेश्चन तो पढ़ने दो रेमिटेंस ऑफ यूएस डॉलर पचास हजार आउट ऑफ विनिंग्स ऑन लॉटरी टिकट शेड्यूल वन का प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन का लिस्ट पढ़ाया था सोर्स भी लॉटरी इनकम नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन भी लॉटरी नहीं होना चाहिए और यहां पे इसका सोर्स क्या है रेमिटेंस कहां से करना चाह रहे अपना लॉटरी इनकम वाला टिकट से लॉटरी टिकट वाला इनकम से अलाउड की नॉट अलाउड ये शेड्यूल वन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है पहला बात ये कौन सा ट्रांजेक्शन है करंट अकाउंट लेकिन करंट अकाउंट का प्रोहिबिटेड है कि परमिसेबल है प्रोहिबिटेड शेड्यूल वन प्रोहिबिटेड लिस्ट में आता है प्रोहिबिटेड शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ करंट अकाउंट इज प्रोहिबिटेड लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड यूएस डॉलर वन लैक फॉर सेंडिंग अ कल्चरल ट्रूप मेरा हिंदुस्तानी का कल्चरल ट्रूप परफॉर्म करेगा अमेरिका में जाकर मेरी देश की भक्ति बताओ ये सेकेंड शेड्यूल शेड्यूल तो पहले क्या लिखोगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है शेड्यूल टू का है और फिर क्या लिखोगे अलाउड है लेकिन अप्रूवल ऑफ सी और यहाँ सी मतलब मिनिस्ट्री तो कंसर्न मिनिस्ट्रीज एच आर डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बताओ सब तुम लोग बता दिया पहले तुमको लिखना है कौन सा ट्रांजेक्शन है करंट की कैपिटल करंट फिर लिखोगे कौन सा शेड्यूल है शेड्यूल टू फिर अलाउड की नॉट अलाउड अलाउड लेकिन किसका अप्रूवल से सीजी यहाँ सीजी मतलब कंसर्न मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री कौन मिनिस्ट्री ऑफ बताओ मजा आ रहा है कि नहीं अब जो बच्चा कल का क्लास नहीं किया है या होमवर्क नहीं किया दिक्कत आएगा ना तुमको ठीक है बट क्लास में इतना अच्छा पढ़ा देते तुमको याद एचआरडी कल्चरल ट्रूप अरे डांस मस्ती ड्रामा करने के लिए गए हो बाहर हाँ बोलो हाँ इसमें तो स्टेट वगैरह कुछ था ही नहीं बाबा नहीं कुछ नहीं अपने एक्स्ट्रा बुद्धि लगाना ही नहीं है ना वैसा क्वेश्चन आएगा चलो तो एडवाइज है उसको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा Two में मिलेगा वन में नहीं मिलेगा स्टेट विच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूयॉर्क ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली कल्चरल प्रोग्राम है दिवाली में क्या करेंगे हम लोग डांस करेंगे शाहरुख खान डांस करना चाह रहे न्यूयॉर्क में रहा रहे तुम लोग के साथ तुम लोग एसोसिएट है उसका अच्छा किसके लिए कर रहे हैं द वे न्यूयॉर्क में जो इंडियन रेसिडेंट है जिन लोग को दिवाली का कमी ना खले समझ है कमी ना खले बट उन लोगों को कोई कमी नहीं खलता उन लोग और अच्छे से सेलिब्रेट करता है तुमको पता है जो इंडियन लोग रहते हैं ना बाहर मैंने देखा है मेरी दोस्त रहती है बेस्ट फ्रेंड मतलब इतना ज्यादा उन लोग एक तो छोटा सा वो बन जाता है ना उन लोग का ग्रुप और बहुत एक एक फेस्टिवल बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट होता है छठ पूजा भी हुआ था क्या से सेलिब्रेट हाँ स्विमिंग पूल में कर लिया होगा उन लोग हाँ वैसे ही करता है तो और कैसे करके गंगा जी कैसे जाएंगी इधर आओ

टू गेट हिज हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी करवाना हार्ट का आर को यूके में इंडिया में कि बाहर में बाहर क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है पहले तो इससे स्टार्ट किया करो ये करंट अकाउंट है अप टू वॉट लिमिट फॉरन एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन बाय हिम एंड वॉट आर द अप्रूवल रिक्वायर्ड तुम लोग पहले लिखेगा कि ये क्योंकि शेड्यूल थ्री का आइटम है

दोनों बात लिख कर आना पहले लिखोगे शेड्यूल थ्री एल आर एस की है। ढाई लाख तक हम लोग अलाउ करेंगे कर आरबीआई तो का अप्रूवल लेने का दरकार नहीं है इवन इफ यू लाख फिफ्टी थाउजेंड यूएस डॉलर उस दिमाग में जा रहे हैं श्योर नेक्स्ट रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट

और जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसका नाम पी रिक्वायर्स यूएस टू थाउजेंड डॉलर कॉल बैक सर्विसेज तो कौन सा था प्रोहिबिटेड शेड्यूल वन में था ना वेरी गुड तो करेंट अकाउंट शेड्यूल प्रोहिबिटेड नॉट अलाउड प्रोहिबिटेड है ना ये शेड्यूल वन का आइटम है बताओ तुमको मजा आ रहा है कि नहीं सब करके और ये सारा का सारा देख रहे हो कहां से क्वेश्चन आ रहा है कल वाले क्लास से तो कल का क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम में दो ही क्वेश्चन आएगा एक तो पूछेगा पीआरआई है कि, वो बताओ और दूसरा करंट अकाउंट में अलाउड नॉट अलाउड परमिसेबल नॉट अलाउड यानी मैं मैथ जो पढ़ाई नहीं आएगा क्या यू नेवर नो अभी तुम तो करवाती है सिलेबस में है तो क्यों रिस्क लेने का आ गया तो, तो तुम कर देना तुमको सब आता है हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेगा मतलब अब तुमको जैसे पूछ रहे ये लिस्ट में है क्या तो, तो तुम क्या पूरा शेड्यूल वन का लिस्ट लिखने लग जाओगी क्या नहीं तुम ऐसे स्टार्ट करना कि तीन टाइप का शेड्यूल होता है शेड्यूल वन में ये है शेड्यूल टू में ये है शेड्यूल थ्री में ये है शेड्यूल वन में लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जिसके लिए विड्रॉल ऑफ फॉरन करेंसी इज नॉट अलाउड और फिर लिखना कि ये जो कॉल बैक सर्विसेस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ शेड्यूल वन आइटम तो इसीलिए इन दिस केस इट इज नॉट अलाउड ऐसे करके अब तुम थोड़ी पूरा शेड्यूल वन का सारा आइटम लिख दोगे एग्जामिनर को भी उतना नहीं पता होगा भले ही तुमको पता है चलो सुरेश सुरेश वाला ना सुरेश रिसाइडेड इन इंडिया ध्यान से पढ़ना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी इंडिया ऑन फिफ्टी ऑफ जुलाई ट्वेंटी वन फाइनेंशियल ईयर 2021 में तो वो इंडिया में ही था तीन दिन और 15 जुलाई को वो इंडिया छोड़ दिया स्विट्जरलैंड के लिए नहीं घूमने नहीं गए पढ़ाई करने गए दो साल के लिए अब एक बात बताओ मैंने नॉर्मली बोला था थ्री में ये नहीं आ रहा है थ्री में क्या कहता था एम्प्लॉयमेंट बिजनेस वोकेशन एनी अदर पर्पज दर्कमस्टांस ऑफ विच इंडिकेट इंटेंशन टू स्टे देयर फॉर एन अनसर्टेन पीरियड बट फिर याद है मैंने बोला था आरबीआई का सर्कुलर आया है

एज पर दरबीआई सर्क्यूलर इवन इफ द स्टूडेंट इज गोइंग अब्रॉड फॉर दर्पज ऑफ एजुकेशन वी आर गोइंट टू एज्यूमटेंशन टू लिव दर फॉर एन अनसर्टे पीरियड एंड बिकॉज ऑफ विच ही अ पी आर ओ आईन फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी अब आपकी बुक में बता क्या बोला है पंद्रह जुलाई तक जब तक वो नहीं गए तब तक तो पता नहीं है तब तक उसको पी आर आई मान रहे हैं और पंद्रह जुलाई के बाद से उसको क्या मान ली है पी आर ओ आई तो ठीक है ना कुछ इसमें गलत तो नहीं है अगर तुमको ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर बोल रहा है तब तो तुम पीआरआई बोलेगा लेकिन अगर तुमको ऐसे ब्रेकअप दे दिया तो तुम भी लिख देना पंद्रह जुलाई तक उसको हम पी आई मान रहे हैं लेकिन उसके बाद से लो उसको पी आर आई अगर हम आरबीआई का सर्कुलर फॉलो कर रहे हैं अगर आरबीआई का सर्कुलर फॉलो नहीं करे तब तो क्या हो गया पी आर आई अगर मान लो एजुकेशन की जगह वेकेशन होता तब तो तुम बिंदास पी आर आई लिख कर आता पी आर आई लिख कर आता ना इसके लिए पी आर आई होगा इसके लिए तो पी आर आई होता क्योंकि वन एटी टू से वन एटी टू डेज से क्या कम ज्यादा रहा है ना इंडिया में

लिमिट के अंदर ही है ना सॉरी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का लिमिट के अंदर ही है ना ये क्या हो गया एलआरएस स्कीम शेड्यूल थ्री इंडिविजुअल अप टू टू फिफ्टी थाउजेंड अलाउड ये तो होगा ही ना इसमें अलाउड की नॉट अलाउड इसको मिलेगा क्या फॉरेन करेंसी हाँ कोई अप्रूवल का दरकार है आरबीआई बी का पक्का मिस्टर पी हैज वन अ बिग लॉटरी लॉटरी आते ही समझ में आ जाता है अलाउड नहीं उसको यूएस डॉलर ट्वेंटी थाउजेंड रेमिट करना है जो लॉटरी से पैसा कमाया है और अपना बच्चा को यूएसए भेजना पढ़ाई करने के लिए नहीं कर सकते तुम रेमिट सोर्स तुम्हारा क्या होना चाहिए खून पसीना सोर्स क्या है पे तुम्हारा लॉटरी लक तो उससे तुम जो है फॉरन करेंसी वगैरह विड्रॉ नहीं कर सकते किस किसमें आगे बताओ शेड्यूल वन प्रोहिबिटेड करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है तो बताओ अलाउड की नॉट अलाउड नॉट अलाउड मिस्टर जेड बहुत बीमार है अनवेल और किडनी ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं बड़ा ही दुख का बात है यूएसए में जा रहे किडनी ट्रांसप्लांट कराने ही वुड लाइक टू नो दिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर इज मेडिकल ट्रीटमेंट शेड्यूल थ्री करने का ट्रांजेक्शन एल आर एस ढाई लाख तक कोई अप्रूवल नहीं बट मैम ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है ढाई लाख के ऊपर भी अगर वो मेडिकल हॉस्पिटल बोलेगा कि तुम्हारा रुपया लगेगा किडनी को पलटने का तो अलाउ कर देंगे ट्रांसप्लांट मतलब वही हुआ ना तो अलाउ कर देंगे यहाँ पे कोई आरबीआई का अप्रूवल लेने का दरकार है कि नहीं है नहीं

किसके अंदर आया है एल आर एस स्कीम शेड्यूल थ्री तो तुम देख रहे हो गजब गजब का का क्वेश्चन पूछा है सारा का सारा प्रोहिबिटेड और शेड्यूल का है है देख रहे हो देखो अलाउड हाँ, अगर तुम लाख डॉलर के ऊपर कुछ गिफ्ट वगैरह भिजवाना चाहते हो तब क्या करना पड़ेगा आरबीआई का अप्रूवल मैनेजेबल तो पूछे नहीं पूछे तुम हर जगह ठोक कर आ जाना ढाई लाख के ऊपर आरबीआई का अप्रूवल और तीन जगह आरबीआई का अप्रूवल ढाई लाख के ऊपर नहीं लगेगा कहा तीन जगह नहीं लगेगा मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड स्टडीज के लिए इमिग्रेशन याद रहेगा वेरी गुड तो ये हो गया तो एमसीक्यू भी देख लो देखोगे और सुनो ये वाला जो चार्ट है ना ये कॉपी में ये वाला भी ड्रॉ कर लेना ये कौन सा चार्ट है बताओ कि अगर एक पीआरआई कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रखा है कहां पे आउटसाइड इंडिया या कोई फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है या कोई फॉरेंसी होल्ड कर रखा है अलाउ किया जाएगा उसको होल्ड करना इफ दैट ही वॉज अ पी आर वाई इनहेरिटेंस और इसका पूरा उल्टा पी आर आई वाला हम भूल तुम लोग लिख लेगा ना कॉपी में चलो पीछे से चलते नीचे से आज ये अला क्वेश्चन करो तीन टो एमसी दे रहे दो तो घर पे कर लेना आफ्टर फाइव इफ स्टेन यूएसए मिस्टर उमेश केम टू इंडिया

अक्टूबर यानी कितना हुआ कैलकुलेट करो नवंबर दिसंबर पूरा जनवरी फरवरी मार्च हो गया हुआ कि नहीं हुआ हम्म एक बात बताओ इंडिया में आते ही क्या हम लोग उसको पीआरआई मान लेते हैं क्या बिजनेस के पर्पस के लिए आया है बताओ बताओ जल्दी मान लेते हैं ना पीआरआई तो है अब वो कोई ब्रांच है अब देखो बोरा एक ब्रांच यूएसए में खोला है ब्रांच कहां पे खोला है यूएसए में तो यूएसए वाला भले ही ब्रांच है लेकिन मैनेज कौन कर रहा है उसको पी तो दोनों ही क्या हो गया पी और तुमको रेसिडेंशियल किसके ऊपर कॉमेंट करने बोला है? दोनों के उमेश का भी और उसका ब्रांच जो कि वो इंडिया ठीक है USA. तो दोनों ही क्या in चलो नेक्स्ट ऑ मोहिता पीरियोडिकल्स एंड मैग्स पब्लिकेशन लिमिटेड हैज ओपटेन कंसल्टेंसी सर्विसेज कुछ याद आ है फ्रॉम एन एनडीटी बेस्ड इन फ्रांस फॉर सेटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फिर से तुम कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हो अदर प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाला नहीं है दस लाख यूएस डॉलर ये कौन सा हो गया तुम्हारा थर्ड शेड्यूल अदर देविजुअल कंपनी तो हो गया ना तो बोल रहे देखो क्या था कंसिड्रेशन फॉर सच अगर दस लाख यूएस डॉलर तक करोगे तो आरबीआई अप्रूवल का, का दरकार नहीं है उससे ऊपर करोगे तो अब देखो क्या बोल रहे हैं के लिए उसको फॉरिन करेंसी चाहिए कंप्लाइंस ऑफिसर ऑफ मोहिता पीरियोडिकल एंड मैक्स पब्लिकेशन मिसेज रितिका रिक्वायर्स और एडवाइस बताओ आप क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ बताओ दस लाख था ना बताओ ठीक से पढ़ो ये दस लाख दिखाई दे रहा है तुमको ये होगा ना परमिशन मोड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो कि रेमिट कर सकता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई कितना है दस लाख ना दस लाख में कितना जीरो होगा एक दो तीन चार पांच है छह होगा ना और ये दस लाख नहीं है करोड़ 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 है एक करोड़ तो तो किसके लिए लिए था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो जान मुझ के दिया ना एक करोड़ भी दे दी दस लाख होगा ये समझ में आ रहा है ये सब क्वेश्चन श्योर चलो एक क्वेश्चन लास्ट आखिरी क्वेश्चन फिर दो अपने आप कर लेना घर पे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बड़ा सारा क्वेश्चन है मजा आएगा इसमें आओ इन सितंबर 21 मिस्टर पुरुषोत्तम विजिटेड एटलांटा एज वेल एथेंस एंड देर आफ्टर लंडन एंड बर्लिन ओ माय गॉड मतलब यही जिंदगी जी रहे जिसके लिए वो फॉरन एक्सचेंज किया कितना किया एक बार 50,000 हजार यहाँ लिख के रखो पचास हजार विदड्रॉ किया पचास हजार फिर से किया विड्रो लो फॉरन एक्सचेंज कर रहे और अपना बेटा को भिजवा दिया जो टोनेटो में पढ़ रहे ठीक है चेके? हम लोग को क्या मतलब फॉरन एक्शन विड्रॉ कर रहे इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ट्वेंटी टू अपनी मम्मी, बीमार मम्मी के लिए कुछ रुपया विड्रॉ किया होगा देखो कितना विड्रॉ किया है ये रहा पचहत्तर यूएस डॉलर ठीक है कितना हो गया इन फेब्रवरी ट्वेंटी टू भी नहीं छोड़ा मिस्टर पुरुषोत्तम शाह डॉटर देवंशी शाह गॉट एंगेज

वो विड्रॉ कितना किया और पैंतीस हजार सब मिलाकर कितना हो गया ढाई लाख के अंदर है सोनमार और सब पर्पज के भी अंदर है एल आर एस स्कीम अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड विदाउट आर वे अप्रूवल बताओ इसका आंसर क्या होगा कोई अप्रूवल लेने का दरकार है क्या उसको नहीं तो आंसर क्या हो गया ए देख रहे इतना बड़ा क्वेश्चन खोदा पार निकली चुहिया कुछ था इसके अंदर इजी है कि नहीं है बताओ और याद है हम लोग ये भी तो बोले थे अगर तुम कोई पर्सनल विजिट के लिए बाहर जा रहे हो तो भी तो खर्चा वगैरह कर ही सकते हो ऑन योर पर्सनल टूर फॉरन टूर वगैरह करने जा रहे हो तो ये टूर में खर्चा कर दिया और मेडिकल के लिए था पढ़ाई के लिए था सारा ही खर्चा तो अलाउड है या खुद वहां पे रह रहे हो सब खर्चा ही तो अलाउड है और अप टू तो कितना टू लैख फिफ्टी थाउजेंड यूएस डॉलर तो मैम ये दिया हुआ है अरे ये खर्चा हुआ कहा है ये तो वेडिंग प्लानर एस्टिमेट दिया ये थोड़ी कर दिया खर्चा तो इससे तो कोई हम लोग को मतलब ही नहीं है ठीक है तो बताओ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन घर पे तुम कर लोगे क्या सारा फाइव एम सी क्यू एंड सेवन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर आप ये कर लोगे आपको एकदम जो है ना फेमा पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा गजब का और लिख कर करना ऐसे नहीं है जैसे कि बस देख लिया बगल में जैसे क्वेश्चन मैंने अभी जैसे मैंने लिखा वैसे नहीं लिखना है पूरा प्रोविजन लिख कर लिखना तुम्हारा होमवर्क क्या किया वापस से सुन लो फेमा को लेकर सबसे पहला शेड्यूल वन शेड्यूल टू कैपिटल अकाउंट का बुक से याद करना है याद हो ही गया होगा उसको लिखना है कॉपी में दूसरा होमवर्क क्या है वाला एक याद है मैंने पॉइंट जो है पी वाला पी आर आई होल्ड करेगा इन्वेस्ट कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी अक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया बाई वे ऑफ इनहेरिटेंस या फिर बाई वे वेन ही वॉज अ पी आर वाई या उसका उल्टा सोनमार है हाँ ये वाला कर लोगे लिख लोगे और तीसरा क्या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और चौथा क्या एम सी क्वेश्चन नहीं लिखना खाली आंसर खुश क्वेश्चन नहीं लिखना है. लिख लोगे क्या यहां तक बोलो जल्दी सो विद दिस योर फेमा फेमा गेट्स ओवर मजा आया करके इतना कर लोगे टेन मार्क्स पॉकेट में ही मेरा गारंटी है और इसमें ऐसा ना एक मार्क्स कटने का गुंजाइश नहीं है तुम लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं लिखोगे तो पूरा जीरो मार्क्स बोलो कर लोगे मजा आया फेमा करके तो so सोचो तुम लोग का एक और चैप्टर खत्म टेंशन हो रखा था फेमा का भी है कोई टेंशन ठीक है और आज का क्लास अगर अच्छा लगा तो प्लीज कॉमेंट कर